व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह है Redmi Note 5 Pro और फिलहाल इसके ऊपर एक अपडेट आ चुका है और इस फ़ोन को मैंने मई मंथ में ख़रीदा था। तो अभी फ़िलहाल अगर मैं इसका आपको दिखाऊं करंट वर्जन, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये चल रहा है MIUI ग्लोबल वर्जन 9.2। तो 9.2.4.0 में चल रहा है और इसके ऊपर एक अपडेट आया है और अगर मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा 9.2.13.0। तो बेसिकली दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मई मंथ में मैंने इस फ़ोन को ख़रीदा था और जैसे ही इस फ़ोन का मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था तो उसी वक्त मुझे इस पर अपडेट आ चुका था और उस अपडेट में मुझे बता रहा था कि इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी और फिक्स यूज़र फीडबैक, तो ये दो चीज़ मुझे दिखा रहा था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ सडनली कि यहाँ पे काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स ये बता रहा है और मैंने इसे अपडेट किया नहीं था, मैंने इसे ऐसे इग्नोर कर दिया। तो मैंने सोचा जब ओरियो अपडेट आएगा तो तब फाइनली इसे अपडेट कर लेंगे। तो इतने सारे अपडेट यहाँ पे दिखा रहा था और मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक बार अपडेट कर लेते हैं और इस अपडेट का एक रिव्यू करते हैं और मैं आपको बताऊं कि आपको अगर आपको ये अपडेट आया है तो आपको इसे अपडेट करना चाहिए या फिर आपको इसे इग्नोर करना चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों, मैं इसे अपडेट करने वाला हूं और अपडेट्स करने से पहले मैंने काफ़ी सारे फोटोज़ यहां पे खींचे हैं तो वो मैं आपको एक बार यहां पे दिखा देता हूं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे पिक्चर्स मैंने यहां पे खींचे हैं अपडेट करने से पहले। इनफैक्ट मैंने यहां पे एक वीडियो भी लिया है इसका EIs को चेक करने के लिए। तो ये सारे फोटोज़ का मैं कंपेयर करूंगा इस अपडेट के बाद। तो अपडेट होने का दोबारा उसी पोजीशन पे उसी जगह पे मैं फोटोज खींचूंगा और दोनों फोटोज का आपको दिखा दूंगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैमरा का परफॉर्मेंस कैसे मिलने वाला है, वीडियो में EIS का परफॉर्मेंस कैसे मिलने वाला है और इसके अलावा हम यहाँ पे चेक करेंगे इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट। तो मैं 15 मिनट एक वीडियो प्ले करूंगा YouTube के ऊपर, चेक करूंगा कि कितना यहाँ पे बैटरी ड्रेन होता है और अपडेट के बाद दोबारा हम चेक करेंगे 15 मिनट अगर वीडियो हम प्ले करते हैं YouTube के ऊपर तो उस वक्त यहाँ पे कितना बैटरी ड्रेन होने वाला है। और ओवरऑल मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कि यहाँ पे अगर अपडेट करने के बाद यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ है और कैसा ये अपडेट परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर भी मैं अपना ओपिनियन आपको शेयर करूंगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और आगे चल के अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो फिलहाल यहाँ पे मैं YouTube में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले कर देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों, मैं यहाँ पे NCS का म्यूजिक प्ले करूँगा 15 मिनट तक। तो ब्राइटनेस मैंने यहाँ पे फुल कर दिया और वॉल्यूम भी मैं यहाँ पे एकदम फुल कर देता हूँ। और अभी अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो इस वक्त 3:16 हो रहा है। तो 3:16 हो रहा है और यहाँ पे 55% जो इसका बैटरी दिखा रहा है। तो मैं इसे 15 मिनट बाद चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना बैटरी ड्रेन होता है। तो बैटरी परसेंटेज हम देख लेते हैं अभी। तो मैंने इसे स्टार्ट किया था करीब 3:16 को, तो अभी ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुका है। तो 20 मिनट के बाद जो बैटरी परसेंटेज अभी है वो है 49%, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 49% है और जब मैंने इसे स्टार्ट किया था तो 55% था। तो 20 मिनट के वीडियो प्लेबैक के बाद तो यहाँ पे जो बैटरी परसेंट ड्रॉप हुआ है वो है 6%। तो अपडेट करने के बाद चेक करेंगे कि यहाँ पे 20 मिनट अगर हम वीडियो प्ले करते हैं तो कितना बैटरी यहाँ पे ड्रेन आउट होता है। तो मैं फिलहाल इसे यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ फर्स्ट और उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है। तो अपडेट फिलहाल मैंने क्लिक कर दिया तो 358 MB का है। तो फिलहाल ये डाउनलोड कर रहा है तो डाउनलोड करके मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं फिर थोड़ी देर में वापस आता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली मैंने इसे अपडेट कर लिया। पहले मैं आपको यहाँ पे इसका UI वर्जन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.2.13.0। तो ऐसे मैंने अपडेट कर लिया। अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो UI का परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले था, तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं आया, तो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और अपडेट करने से पहले जो रैम मुझे फ्री मिलता था तो वो मुझे मिलता था करीब 1.5 GB और अभी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 1.9 GB। तो रैम थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने यहाँ पे YouTube में 20 मिनट दोबारा वीडियो प्ले करके चेक किया कि यहाँ पे बैटरी ड्रेन कितना होता है। तो इस स्क्रीनशॉट का आप देख सकते हैं, तो पहले 20 मिनट अगर मैं वीडियो प्ले करता था तो यहाँ पे 6% का बैटरी ड्रेन होता था, लेकिन और अपडेट के बाद भी 6% ही यहाँ पे बैटरी कम हो रहा है अगर आप 20 मिनट YouTube पे वीडियो चलाते हैं। तो बैटरी परफॉर्मेंस में किसी भी तरह कोई चेंज नहीं आया। तो पहले आपको बैटरी परफॉर्मेंस कैसा मिलता था, अभी भी आपको बैटरी परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों, मैंने फेस अनलॉक को भी चेक किया। फेस अनलॉक भी पहले जैसे काम करता, अभी भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। मुझे तो उसके परफॉर्मेंस में कुछ भी तरह का कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नजर नहीं आया। लो लाइट में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता है, वो तो अभी भी है, लेकिन अगर आप डे लाइट में या अच्छी लाइटिंग कंडीशन में तो बहुत ही अच्छे से फेस अनलॉक काम करता है, उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो फेस अनलॉक को लेकर यहाँ पे मुझे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। इसके अलावा दोस्तों, आप कैमरा परफॉर्मेंस को लेकर काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि कैमरा परफॉर्मेंस में यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो चुका है अपडेट के बाद। तो यहाँ पे अपडेट के बाद क्या हो रहा है दोस्तों कि जो पोर्ट्रेट मोड के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1.5x में ये जूम हो जाता है
और अगर लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन इन्होंने दिया, अगर आप नॉर्मल विदाउट जूम के अगर फोटो खींचना चाहते हो तो वहाँ पे आपको बीच में एक ऑप्शन सा मिल जाएगा, उसे आपको क्लिक करना है तो वो नॉर्मल मोड में चल जाएगा। तो उसके बाद आप बहुत ही आराम से फोटो यहाँ पे खींच पाओगे नॉर्मल मोड में। लेकिन मैं आपको बता दोस्तों 1.5x में जिस तरह का क्वालिटी यहाँ पे है पिक्चर में, उस तरह की क्वालिटी यहाँ पे नॉर्मल मोड में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे 1.5x जूम से निकाल कर अगर नॉर्मल मोड में अगर फोटो खींचते हैं पोर्ट्रेट मोड में, तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। आप फिलहाल देख भी सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी यहाँ पे मिल रहा है। तो पोर्ट्रेट मोड की क्वालिटी मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ की है, थोड़ा डिग्रेड हो गया है, यहाँ पे पहले जैसा क्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर आप 1.5x जूम में लेते हो तो क्वालिटी यहाँ पे अच्छी खासी आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी भी इस पे मुझे लगता है कि Xiaomi को काम करना चाहिए और पोर्ट्रेट मोड को और बेहतर करना चाहिए। MIUI के पहले वर्जन में काफ़ी अच्छे से फोटो खींचता था, तो पोर्ट्रेट मोड थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है। अगर नॉर्मल फोटोज़ के बारे में बात करूँ तो नॉर्मल फोटोज़ तो यहाँ पे ठीक ठाक है, उसमें आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसे पिछले वर्जन के साथ अगर कंपेयर करूँ तो अभी फोटोज थोड़े ब्राइट आते हैं और थोड़े सॉफ्ट आते हैं, बस उतना ही डिफरेंस है। क्वालिटी भी ठीक ठाक है यहाँ पे, ऐसा नहीं बोलूँगा कि अपडेट के बाद यहाँ पे खराब हो चुका है। वीडियो के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, EIS का परफॉर्मेंस भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि आपको पहले मिलता था, उसमें भी मुझे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। लेकिन अगर बात करूँ फोकस की तो फोकस यहाँ पे पूरी तरह से गड़बड़ हो चुका है। फोकस अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे करोगे तो बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे टैप करके ही फोकस करना पड़ेगा। जब तक आप टैप नहीं करोगे तब तक ये फोकस नहीं करता है। तो Xiaomi वाले को यहाँ पे कैमरा के ऊपर जरूर एक अपडेट देना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इस अपडेट में उतना खास कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे वीडियो में फोकस को इन्होंने खराब कर दिया। पोर्ट्रेट मोड के फोटोज भी उतना इंप्रूव नहीं है और बैटरी का परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसा ही है। रैम मैनेजमेंट थोड़ा यहाँ पे इंप्रूव इन्होंने किया है और UI जितना स्मूथ पहले था उतना ही स्मूथ अभी भी है, तो उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। और अगर आपने Redmi Note 5 Pro अभी अभी लिया है और अगर आपके फोन में अगर ये अपडेट आया है तो मैं कहूंगा दोस्तों आप पिछले वर्जन में ही रहिए और इसे अपडेट मत करिए, उतना खास कुछ भी नहीं है। और ओरियो अपडेट के लिए आप वेट करिए, ओरियो के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। हालांकि Xiaomi का यहाँ पे काफ़ी बुरा टाइम चल रहा है क्योंकि पहले तो इनके फोन्स मिलते नहीं है और फोन अगर मिल भी जाए तो फिर अपडेट मिलता नहीं है, अपडेट अगर मिल जाता है तो फिर उसमें बग आ जाता है, फिर उसके बाद ये नया फिर उसके ऊपर अपडेट देते हैं, फिर उससे कुछ होता नहीं है, वापस फिर उसे वो रोल आउट कर लेते हैं। अभी फिर इन्होंने ओरियो अपडेट दिया, उसे वापस लिया, फिर से डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है Xiaomi का टाइम बिल्कुल अभी एक खराब चल रहा है और इनके डेवलपर्स क्या काम कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ हर अपडेट के बाद कुछ ना कुछ तो बग आ ही जाता है फोन में। अगर आपने नया नया Redmi Note 5 Pro लिया तो मैं कहूंगा दोस्तों अगर कोई किसी भी तरह कोई अपडेट आया तो फिलहाल उसे अपडेट मत करिए, जैसा आपका फोन है वैसा यूज करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो उसका कमेंट करिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।